Assalamualaikum guys, मैं एक बार फिर न्यूज यूनिवर्सल आम से आज एक्चुअली जिस पिस्टल का रिव्यू लेके आपके पास आया हूँ उसका बहुत ज़्यादा आजकल तस्करा होता है, काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इन माई वेरी गुड बुक्स. उसकी कई मल्टीपल रीजन्स हैं, क्योंकि एमिनेशन उसका अवेलेबल नहीं होता, इतना कॉमन नहीं है, एमिनेशन उसका ज़्यादा चीप भी नहीं है. इट्स काइंड ऑफ मोर लाइक एग्जॉटिक फन गन, अच्छी पिस्टल है, लेकिन नॉट फॉर मी आई थिंक. लेकिन स्टिल मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा. अब वो है Ruger57 5.7 इसका कैलिबर है, ठीक है. बॉक्स खोलते साथ ही आपको अंदर रूगर के ये सब जो लवाजमात होते हैं, पेपर वर्क जो है सब, ये मैनुअल है, मैनुअल के अलावा ये पेपर वर्क वगैरह हैं सब कुछ, बिजनेस मेल्स वगैरह, उनकी ये वारंटी कार्ड है उनका फॉर लाइफ टाइम बॉक्स के अंदर. उसके अलावा अगर हम देखें तो एक अगर उसमें फिर लॉक भी आता है, लॉक के अलावा उसमें एक मैगजीन है 20 राउंडर, उसके अलावा एक और 20 राउंडर मैगजीन है जो इसके अंदर है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये रहा, लाइट वेट पिस्टल है बहुत ही, ठीक है, बहुत लाइट वेट पिस्टल है. ऊपर इसके देखें तो यू नॉच के साथ रेडियम साइट लगी हुई है, ये देखें ज़बरदस्त, ठीक है. ये उसके अंदर एक और वो आ गया, ठीक है, लॉक एक मौजूद है यहाँ पर, ट्रिगर सेफ्टी मौजूद है, ठीक है. बाकी वही पैटर्न है जो नॉर्मल स्ट्राइकर 5 पिस्टल्स का होता है, Ruger57. उसके अलावा अगर इसकी मैं इनडेप्थ डिटेल्स बताऊं तो कैलिबर जिसका मैंने बताया इसका 5.7x29mm है. डिलेड ब्लोबैक ऑपरेशन है. बैरल लेंथ इसकी जो है 4.9 inches है. ट्रिगर इसका आपको पता है डबल एक्शन सिंगल एक्शन है. अच्छा, उसके अलावा दो इसके साथ मैगजीन्स आते हैं 20 राउंडर्स. ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो 8.6 inches है, ठीक है, और हाइट जो है इसकी ऊपर से नीचे तक वो 5.6 inches है. विड्थ इसकी जो है, ठीक है, ये तकरीबन 1.5 से 1.2 inches की है, ठीक है. ये देखें, मैं इसको कॉक नहीं कर सकता, इसको निकाल नहीं सकता, ब्रांड न्यू पिस्टल है, निशान आ जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है. बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है इसकी, मुझे इसकी ग्रिप बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है. आप इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये MOS रेडी है, यानी कि इसके ऊपर आप ऑप्टिक्स लगा सकते हैं. देखें ज़रा, लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है. ये जो इसकी जो बुलेट है ना, लिटरली वो मैंने सुना है कि केवलर की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वो होती है, जो उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट उसको क्रॉस कर जाती है, ये मैंने सुना है. हो सकता है प्रॉब्ली, डेफिनेटली मुझे लगता भी है ऐसे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो एक 2-3 कैलिबर रिमिंगटन का बोर है. लेकिन हैंड गन के अंदर इट्स अ वेरी पावरफुल हैंड गन, कॉम्पिटिशन शूटिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, एवरीडे कैरी के लिए लिटिल बिट बिग, लेकिन स्टिल अगर आपके पास ट्रक या कोई बड़ी कार है तो आप उसमें कैरी भी कर सकते हैं. फॉर मी आई मीन इट्स नॉट वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अच्छी पिस्टल है. अभी मैं मजीद चीज़ें दिखा नहीं सकता इसलिए, वरना मैं मजीद डिटेल्स में जाता. इंशाल्लाह फिर ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू था Ruger57 के ऊपर. इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ. मार्केट प्राइस हम लोग जिसको ऑफर कर रहे हैं वो 3,78,000 फाइनल प्राइसेस की. इससे कोई डाउन नहीं होगी क्योंकि मार्केट में ये इससे ऊपर ही है, नीचे नहीं मिलेगी, ये मैं बड़ा श्योर हूँ उस बारे में. बहरहाल आप आ सकते हैं यूनिवर्सल आर्म्स पे एक वैलिड आर्म्स लाइसेंस के साथ. कॉन्टैक्ट पर्सन अरसलान इम्पोर्टर और इसरार शाह, और इंशाल्लाह वो आपको एंटरटेन करेंगे अगर आपके पास एक वैलिड आर्म्स लाइसेंस है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.